Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to Cattle Market Karachi and Pakistan Media Today. दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलीर गाय मंडी में और यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ. रेट्स वगैरह की अपडेट लूँगा और आज मैं एक नए तरीके से वीडियो बना रहा हूँ. मैंने GoPro कैमरा जो है अपना वो थोड़ा सा कोशिश करी है छुपाने की. फर्स्ट टाइम थोड़ा हिडन कैमरा टाइप बनाने की कोशिश करी है कि क्योंकि यहाँ के बेसिकली मसला ये है कि व्यापारी ना बदतमीज़ बहुत हैं, तो वो कैमरा देखते हैं तो रेट सही नहीं बताते, उल्टे सीधे रेट बताते हैं. तो उसके लिए मैंने बोला कि कैमरे को हम थोड़ा सा अगर हाइड करके रखें उनसे, उनको महसूस ना हो कि हम उनकी वीडियो बना रहे हैं, तो देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट आता है. यही चीज़ आज मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहा हूँ. हो सकता है एंगल गलत आ जाए, हो सकता है कुछ मसले मसाइल हों, तो काइंडली उसको बेयर कर लीजिएगा, इग्नोर कर दिएगा और अपना ऑनेस्ट फीडबैक मुझे कमेंट में बताइएगा कि मुझे किस तरीके से इसको इम्प्रूव बनाना चाहिए. देखते हैं कि कितने व्यापारी इसको पहचान पाते हैं कि यहाँ कैमरा लगा हुआ है कि नहीं और क्या सेटअप रहता है सारा. तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो मुझे काइंडली बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर देखिए और वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा काइंडली. पहला शॉट अपना मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है, तो लेट्स सी के कैसी रहती हैं सारी चीज़ें. फ़र्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मैंने कैमरे को बहुत ज़्यादा वाइड एंगल कर लिया ताकि जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेम देखे, फिर मैं उसको एडिटिंग में जाके सेट करूँगा. जब तक कोई व्यापारी पहचानता नहीं है तो बना के देखते हैं, अगर किसी ने पहचान लिया तो एक अलग बात है. क्या मांग रहे हो दोस्त? हाँ ये लाल वाले के कितने उम्र के कितने हैं ये हैं इसके? हाँ चांदनी मांग रहा है. इस ईद पे लगेगा? पता नहीं यार, मेरे नहीं है, मैं तो मजदूर हूँ, लेकिन मालिक बोला लगेगा. मालिक बोलता लगेगा? हाँ लगेगा. क्या हो जाएंगे वैसे देने वाले? पता नहीं यार, ये छोटे वाले के तक देगा तकरीबन मेरे अंदाज़ से 80 तक देगा. और छोटा वाला इसके मांग रहे 80,000. हाँ 80,000 इसके 80 मांग रहे, ज़्यादा नहीं है पैसे. ये वाला कहाँ तक देगा? हैं 70-75 तक ही भाई. यही दो ही है तुम्हारे पास? दो ये दो ये गुलाबी नाक में है कोई? नहीं, ये सारी बछड़ी है. ये सारे तुम्हारी? ये बछड़ा है ना ये वाले? ये दोनों बछड़े हैं, बाकी वो दोनों बच्चे हैं. उनके क्या है पैसे वो जो दोनों हैं? भाई को बताओ. चलो देखते हैं. ये मांग क्या रहे हो इसके? 60,000. ये इस साल लगेगा अगले साल लगेगा? अगले साल पक्का हो जाएगा. अगले साल हो जाएगा दो दाम. और कहाँ तक तुम इसको छोड़ोगे? कहाँ तक बोलो बोलो. मुझे तो 30 का समझ में आता है, तुम्हें कहाँ तक आता है? 55 का. 55 में आखिरी छोड़ेगा? चलो ठीक है. मुझे वैसे फ़िलहाल लेना नहीं है, तुमने पूछा तो मैंने तुम्हें बता दिया. मुझे तो 30 का समझ में आता है. दोस्त क्या मांग रहे हो उनके दोनों के? दोनों के? हाँ दोनों के 2-10 मांग रहे हैं. 2-10 यानी 1-5 1-5 के साथ दोनों इस साल लग जाएंगे? इस साल लगेंगे. दो दस यानी 1-5 1-5. माल आज बिक रहा है मंडी में, ये दो बछड़े बिक गए हैं, किसी व्यापारी वगैरह ने गालिबन खरीदे. कहाँ तक हो जाएगा इसमें? ये उस्ताद हाँ ना, ये आपको पड़ जाएंगे 1.70 में पड़ जाएंगे. 1.70 में? 1.70. 1.20 तक नहीं होंगे? 1.20 का वो भाई मांग रहे जिसको मैंने बोला लात तोड़ रहा है. अच्छा 1.20 वो मांग रहा है, हमारा भी यही अंदाजा था 60-65. 1.20 से 1.30 के साथ वो दाढ़ी वाले खड़े थे वहाँ पे. हाँ 1.60 के सुबह सवेरे वो भाई ने मांगे थे 1.60 के. अच्छा कुछ भी लेना भाई? नहीं नहीं सही बोल रहे हो. तो तुम्हें कहाँ तक तुमने आखिरी 1.70 आखिरी बनाया था? नहीं नहीं वो भाई को देते 1.65 में देते वो भाई, लेकिन रुका नहीं ना, वो लगा के डायरेक्ट चला गया. अच्छा उसको 1.65 में हम दे देते. 1.65 में दे देते. इनमें वजन कितना होगा दोनों में तकरीबन? ये हद से आता 3-3.5 हो जाए. 3-3.5 कचरा मचरा निकाल निकल के ना साफ गोश्त का ऐसे ऐसे ही 5-5.5 में खड़े. अब तुम अगर ये 1.65 तक के देते हो तो मतलब है
पड़ गया 80-85 तक का एक पड़ गया तकरीबन है, 85-85 के पड़ गए अभी। और अभी ईद में वक्त कितना है, तकरीबन 10 महीने, 10 महीने की पलाई अगर आप 15,000 रुपये, अगर इसको फीट लग जाए ना, महीना लगाओ 1.5 लाख पलाई लग गई फीट, अगर फीट पे ये पल गया ना, ये 3-3 लाख के 4-4 लाख के 1.5 लाख की पलाई लग गई, 85 का तुमसे ले लिया तो ये 2-35 का पड़ गया। 2-35 बंदा उस पर खर्च कर ले, थोड़ा अबलग में रखो ना फिर चीज़, तो खूबसूरती में हो तो बंदा कोई बेचना भी चाहे आगे तो पाल के बेच भी सके। नहीं ये उस हिसाब से ऊपर जा रहा है ना, नस्लें होती हैं जिसमें कलर आ जाता है किसमें कलर नहीं आता है, ये भी नस्ल है लेकिन इनमें कलर है हल्का हल्का फीका कलर, आपकी बात सही है कलर होना चाहिए लेकिन वो उस हिसाब से अगर कलर होता है ना इसके पैसे भी उस हिसाब से याद होते। अब इसके पैसे बनेंगे वजन के हिसाब से, तो वजन इसमें तुम बता रहे हो 3.5 महीने, अगर 20,000 रुपये मन के हिसाब से लगाएं तो 60 बनते हैं, तुम 70-70 के दे दो, 1.40 के दे दो, 1.5 के दे दो, तो ऐसे ही है ना। चलो भाई, तो थोड़ी सी गुफ्तगु हो गई व्यापारी से, ये बात समझ में आ गई कि उसका माइंड सेट क्या है। और आप लोग को मैंने एक कैलकुलेशन बता दी कि अगर हम इसको अभी 80-85 का लेते हैं तो हमें 10 महीने की पलाई के बाद ही अगर हम 15,000 से भी पलाई लगाएं तो ये 2.25 से भी ऊपर का एक बछड़ा पड़ जाएगा। वो खूबसूरती बछड़ों में इतनी ख़ास थी नहीं, तो उस हिसाब से जो है वो फायदा नहीं है इतना पैसा खर्च करने का। चलो भाई, व्यापारियों में फड्डे के साथ सौदा हो रहा है। हजार बढ़ाने पे जो है वो फड्डा चल रहा है, 1,000 बढ़ाने पे चल रहा है फड्डा। चलो भाई हो गया, 500 बढ़ाने पे हो गए, पता नहीं कितने हुए 500 बढ़ाए ये नहीं पता, बहरहाल सौदा हो गया। मुझसे पहले अभी तक जो है वहाज भाई ने एक मरतबा हिडन कैमरे से गालिबा बकरा ईद 2017 के अंदर उन्होंने बनाई थी वीडियोस, और वो बाइक के ऊपर माउंट करते थे अपना कैमरा ना, मैंने ज़रा बैग के ऊपर अपने माउंट किया है तो इसमें ज़्यादा मैं छुपा नहीं सका क्योंकि मैंने इस मंडी में हम बाइक तो अंदर लेकर आ नहीं सकते हैं, आपको पता है चलने की जगह नहीं होती। तो अब देखते हैं कि ये आज का जो वो है कितना कारामद रहता है हमारा तरीका का। बाकी आप लोग को आई होप पसंद ज़रूर आया होगा। अच्छी है, 60 की है क्या है? इस साल लगेगी ईद पे, इस साल ईद पे लगेगी। और वो काली वाली, वो बछड़ा है, वो बछड़ा है वो, के उसके क्या मांग रहे हो? काले वाले के क्या मांग रहे हो? 75 60,000 और 75,000। अच्छा जी, 60,000 और 70,000 देखते हैं। और इसके क्या हो जाएंगे? 40 की हो जाएगी, तुम बताओ ना अपना। और ये वाला जो ये बछड़ा बछड़ी है, देखिए इसके मोल क्या है, 75 का है, ये भी 75 बता रहे हैं। हाँ चाचा, खीरा है ये, इस साल लगेगा इंशाल्लाह। क्या आप मोल क्या मांग रहे हैं इसके? 1,20,000 रुपये। अरे तो बकरा ईद वाले मोल लग रहे हैं, ये तो और ऊपर जाएगा। हाँ नहीं, कोई सही लेने देने वाले रेट बताओ ना यार। इंशाल्लाह वो वाले के एक ही दाम है, दांतों में तो नहीं है ये खीरे हैं, ये देख रहे हैं। हाँ पक्का खीरा है, देख पक्का खीरा है। वजन क्या होगा इसका, ये छोटे वाले का? इसका ये होएगा 4.5 से ऊपर, 4.5 से ऊपर। कहाँ तक करोगे वैसे मुनासिब? हाँ देख रहे हैं, नीचे देखो बच्चे, नीचे नाप झालर देख, नाप झालर तो काफी है, जबरदस्त है माशाल्लाह। नहीं फिर भी ये क्या हो जाएगा इसका? इसका चलो ये, इसका आप क्या देंगे, आप लगाओ यार। अभी तो पूरा तकरीबन साल पड़ा है ना, पालना भी है चाचा। हाँ तो फिर होएगा आप दो इतना। हाँ मुझे तो ये चाचा 70 का समझ में आया, 70,000। हाँ तुम ही बोलो, ये 2.5 मन वाला जानवर नहीं है चाचा। फिर
अब चार मन भी तुम ज्यादा बता रहे हो। साढ़े चार से हुआ शाहीवाल का है, बच्चा चुलिस्तानी बच्चा है रहीम यार खान का। खूबसूरती में कम है ना, तुम्हें पता है खूबसूरती में इससे और क्या खूबसूरत। अरे नहीं वो है ज्यादा खूबसूरत तो उससे क्या करोगे। अच्छा तुम समझदार आदमी, एक 20 के दर 70 के दर इतना फर्क होता है कारोबार में, तुम समझदार आदमी तो सही है। फिर भी आप इंसाफ को आप क्या देगा, हमारा रास्ता सौदे और रास्ते में आवे था आदमी बता भी थोड़ा इसको चलाओ, लड़ने वाला नहीं है, देखो चला के देगा। सही है ठीक है, लेकिन पैसे बहुत ऊपर हैं यार चाचा। चलो मैं और देखता है फिर। हाँ देख देख अभी तुम देख। हाँ इसको क्या हो गया, बीमार बीमार बेचारी लग रही है, थक के बैठ गई है गर्मी से, या तो वो है ही नहीं उसमें बेचारी में कुछ। गर्मी बहुत है यार आज। सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हो, खैरियत है, तबीयत ठीक है तुम्हारी, तुम बछिया ही लेकर आते हो खाली हैं, मछड़े में नहीं करते का। इसके क्या मांग रहे हो, पचवंजा लगेगी इस साल, लग जाएगी छी है माशाल्लाह। कहाँ तक करोगे इसको आखिरी, 50 तक करोगे, 30-35 में नहीं बनेगी। हाँ ये तो है। और वो वाली वो 60 की है, 60 की है ये वाली का मुझे शक है कि लगेगी इस साल के नहीं लगेगी, लग जाएगी। दांत दिखा रहा, यही लगेगी, चार ही लगेंगी, चारों लगेंगी इस साल। सर जी पचपन 60 वो वाली बढ़ते जा रहे हैं सब पे, 5-5 हज़ार बढ़ाते रहोगे, 55-60 और 70 और ये वाली है, ये 60 की है। अच्छा 55,000 55 ये तो अभी दांत थोड़ी हुए हैं इसके, तो निकालेगी ना, 20 साल होगी। खीरी है ना सारी, चारों खीरी हैं, दो खीरे हो। अल्लाह का शुक्र आप सब से। अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं। तो यहाँ कुछ खड़े किए अपने बेचने के लिए, कौन से हैं दिखाएं। अच्छा माशाल्लाह ये सारे पंजाब से लाए हैं, सही बच्चियाँ हैं, बच्चियाँ हैं। क्या क्या है इनके रेट, अलग अलग रेट है। ये भूरा है, भूरी नाक में, हाँ, ये दूसरे में आता है ना, ये लगे लगेंगे इस साल, ये इस साल मुश्किल है ये लगे, अगले साल के लिए तैयार, अगले के लिए। तो ये इसके क्या पैसे हैं, ये मांगने के लिहाज से तो 75,000 है, 75,000 देने वाले रेट जो 65,000। अगर अगले साल तक बनेगा तो फिर थोड़ा ये कॉस्टली बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, मगर चीज़ ये ऐसी है ना, ये बनी तो हाँ खूबसूरत तो बहुत है, 5 लाख रुपए की चीज़ है। हाँ ये तो है, बुरा है तो बच्चा है ना, ये अभी कलर भी चेंज करेगा हल्का सा, पॉइंट्स में पूरा है, सिर्फ थोड़ा सा ये जो मार खा रहा है कान इसके, अगर थोड़े से बड़े होते हैं ना, हाँ फिर ये बहुत ऊपर का बच्चा था। नहीं अभी भी बच्चा बनने वाला ही है ये, अभी से असल में बच्चे की खुराक क्या होती है, खुराक कुछ भी नहीं, बच्चा हाँ। दूध पे अगर शुरू में बन गया ना, दूध उसको पूरा मिल गया, फिर वो आगे जान पकड़ लेता है। ये कितने महीने का होगा, ये तकरीबन होगा 12-13 महीने ऐसे, 12 महीने का होगा। तो ये वहीं से सारे अपना रहीम यार खान शेख खान वहीं ना, नहीं वहाँ जाते शेख खान हाँ। लुटन लुटन में तो तोल के हिसाब से भी मिल जाता है, कांटे का भी मिलता है, कांटे भी मिल जाता है ना, कट्टू का हिसाब होता है, ये तो रफ माल है के लिए है। वो पीछे वाला वो कितने का है, वो पड़ेगा सिर्फ फाइनल काला वाला, नहीं काला वाला नहीं है, बीच वाला, बीच में है 50 का, 55 का और वो वाला 50 का। यहाँ पे वैसे अभी आफ्टर बकरा ईद जो है वो कब तक का टाइम रहता है मंडी का, इनका तो रहता है काफी टाइम तक रहता है, एक दो बजे तक रहती है,
زیادہ ہی رہتی ہے. میں ایک دن آیا تھا 3:30 بجے تو ختم بالکل خالی تھی, بارش ابھی ہوئی تھی نا 2-3-4 ہفتے. نہیں تو وہ منڈی کے یہ ہوتا ہے مال کے اوپر ہوتا ہے, ابھی مال زیادہ ہے, یہ ابھی جائے گی 5-6 بجے تک جائے گی. 5-6 بجے تک جائے گی؟ ہاں 5-6 بجے تک جائے گی. تو اور پوزیشن کیا ہے, چل رہی ہے, ٹھنڈی ہے آج یا پھر خریداری؟ آج ہے, آج مال کٹنے کا ہے, کیونکہ آج کٹو کا مال زیادہ کٹنے کا ہے. اچھا, دو چار بچہ کھڑا ہوا ہے نا سامنے جو گٹو لے کے کھڑا ہوا ہے, ہاں وہ میں نے مانگا تھا, دیا نہیں. کتنے کا مانگا تھا آپ نے؟ بول تو 5 لاکھ روپے رہا ہے. اچھا, ولایتی کراس ہے نا؟ ہے دانتوں میں پورا. اچھا, آپ نے کتنے کا مانگا؟ میں نے 2.5 کا مانگا. 2.5 کا. آف سیزن اتنے بڑے جانور کیا بکتے ہیں؟ نہیں بکتے, بک جاتے ہیں. وہ والا بچڑا تھا چلیں جی دیکھتے ہیں. اور چلیں ٹھیک ہے, میں کانٹیکٹ کروں گا ان شاء اللہ. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے. آپ کا کس نام سے پیج ہے؟ کیٹل مارکیٹ کراچی. کیٹل مارکیٹ چینل ہے. کیا یہ دو دو دانت ہیں کھیرے ہیں یار؟ یہ دونوں کھیرے ہیں. یہ تو اس سال نہیں لگے گا, یہ اگلے سال لگے گا. اگلے سال لگے گا. اچھا, تو کیا ہیں ان کے پیسے؟ ہیں لا بلا کر 1.25, 1.40. 1.25 اور 1.40. آپ کون سا لے رہے ہیں؟ کون سا پسند ہے؟ جوڑی لے رہے ہیں؟ ہم تو بھائی سے بات کر رہے ہیں. 1.20 اور 1.25 کہہ رہے ہیں. 1.25, 1.40. اچھا, 1.25 اور 1.40 کہہ رہے ہیں. صحیح, تو دونوں کھیرے ہیں؟ دونوں کھیرے. صحیح ہے, اس سال لگے ہی جائیں گے میرے خیال. یہ والا نہیں لگے گا, وہ لگ جائے گا. وہ لگ جائے گا, یہ بھی لگ جائے گا. پکا نہیں ہے, کچا پکا کنفرم نہیں. وہ تو کنفرم لگے گا. فائنل کا آپ کا کیا مائنڈ ہے ان کا؟ فائنل ہمارا اس کا مائنڈ ہے 1.10 کا. اچھا, اس کا 1.20. 1.10 اور 1.20 تک کا. دوست کیا مانگ رہے ہو؟ ہاں کتنے؟ 66. اس سال لگے گا؟ اچھی ہے. اور اس کے 1.35. یہ بھی اس سال لگے گا؟ یار اس کے زیادہ نہیں مانگ رہے. 1.35, 1.35 زیادہ نہیں مانگ رہے. دیکھ لو آپ کے سامنے, زیادہ تو خیر آپ سے نہیں مانگیں گے. آپ کا ہمارے سودے میں فرق ہے, تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے. بہت زیادہ فرق ہے نا, وہی تو بول رہا ہوں. بہت زیادہ نہیں ہے, تھوڑا بہت ہے. اور چھوٹے والے کے, اس کے 1.5. 44 سال. کلر میں نہیں ہے نا؟ کلر میں یہ والا, یہ بالکل ایسے ہو جائے گا, سفید ہو جائے گا یہ جب آپ کھلاؤ گے نا 3 مہینے کے بعد. ہاں یہ اچھا ہو جائے گا. جیسے کمر کا اس کا سفید میں وہ والا سفیدی آ رہی ہے, تھری والا رنگ آ رہا ہے. تھری کا جو رنگ ہوتا ہے نا وہ آ رہا ہے. ایک ہوتا ہے بالکل جیسے وہ بالکل سفید, کون سا تمہیں میں دکھاؤں؟ وہ سفید ہے نا, وہ جو بچے کھڑے ہوئے ہیں وہ والی سفیدی نہیں ہے. وہ ذرا زیادہ خوبصورت لگتا ہے. اچھا یہ بھی لگ جائے گا اس سال؟ یہ کہاں تک چھوڑو گے؟ یہ 85 کا جوڑیں گے. 85 کا. اور یہ والا لاکھ کے نیچے؟ یہ 1.10 کا. 1.10 کا, لاکھ کے نیچے نہیں کروں گا. چلو صحیح ہے. کیا حال ہیں سائیں؟ خیریت ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ دونوں بچھڑے ہیں ماشاء اللہ, اس سال لگیں گے دونوں. اچھا کیا کیا پیسے مانگ رہے ہو؟ جوڑا دو گے؟ کتنے کا دو گے جوڑا؟ 5.5. اپنا بھٹو کی عادت کا ہے. ہے تو خوبصورت یار ماشاء اللہ. ساڑھے پانچ لاکھ. یار یہ تو تم عید والے پیسے نہیں مانگ رہے لگ رہا ہے. عید والا ہے نا بچے, تو عید والے ہیں لیکن اب عید میں فرق کتنا ہے؟ تم دیکھو 8-10 مہینہ ہے. ابے یار کوئی لینے دینے والی بھی بات کر لے. لینے دینے والے بولے ہیں کوئی, کون سا تمہارا بھگانے والا تھوڑی مانگ کر رہے. ابے ادھر آتے تھا 8 لاکھ. کدھر؟ آڑت پہ. اب 8 لاکھ کا تجھے پتا ہے کہ اس وقت کون لے گا 8 لاکھ؟ نہیں یار بہت زیادہ پیسے. کیا لگائیں ابھی تمہیں ریٹ؟ یہ والا دیکھتے ہیں. ہاں دوست کیا مانگ رہے ہو جوڑی کے؟ جوڑی کا 2.80. 2.80 پہ لگیں گے دونوں؟ والا دو دانت لگ رہا ہے, زیادہ ہی لگ رہا ہے. کھیرے ہیں دونوں. 1.40, 1.40.
बच्चे तो सही हैं, नॉर्मल हैं। ये वाला सही है, खूबसूरती में अच्छा है ना? ये वाला खूबसूरती में है, लेकिन इस पर मेहनत काफ़ी होगी। किसकी? अच्छा हैं तो सारे खूबसूरत। क्या हुआ चाचा, कहाँ भाग रहे हो? इसके 5.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। ये भी भुट्टो की आड़त का है। अभी मैं एक दोस्त से बात कर रहा था तो वो बता रहे थे उन्होंने 2.5 लाख रुपए इसके लगाए, लेकिन ये 2.5 लाख में दे ही नहीं रहा। पूरा है दांतों में, ऑस्ट्रेलियन क्रॉस। ये तो अगले साल लगेगा, इस साल का लगेगा ही नहीं है ना? है ना? कितने महीने का है? 6-7 महीने का होगा। क्या पैसे हैं इसके? इसके 75,000। अबे यार तू देख, 2 साल पालना है इसको, तू भी इसके 75 मांग रहा है। 5 लाख का अल्लाह का खौफ गया थोड़ा सा। हैं? 5 लाख का बछड़ा भी बनेगा ये, 2 लाख खा जाएगा ना, 3 लाख दे भी देगा। पांडा ही है, पांडा। पांडा काला सफेद होता है, ये थरी रंग में है ना मेरी जान? ये थरी भी पांडे आते हैं आजकल स्पेशल ऑर्डर पे। कितने का होगा ये? 30-35 तक का, 40 तक का होगा ये? हाँ। तुमने क्या जहन बनाया, कहाँ छोड़ोगे? हमारा जहन तो है 65 का भी के, लेकिन ग्राहक मांगते 55 का 54 का। 55-54 लग रहे हैं भाई। बिस्मिल्लाह कर यार, फिर खरीद भी नहीं है, कहाँ से बिस्मिल्लाह करें, कैसे बिस्मिल्लाह करें? अभी क्या इसका वज़न क्या होगा? ये 1 मन भी मुश्किल होगा है। 1 मन होगा वज़न में? 75 किलो बछड़ा ये। 75 किलो? बताओ यार, ये लो मेहरबानी है। खूबसूरत बच्चा तुम्हारा, पैसे ज़्यादा हैं लेकिन। चलो भाई। अच्छा दोस्तों, तो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहा इसको लेके, गोप्रो को लेके, मतलब हिडन कैमरा बना के मैंने जिस सेटिंग से बेसिकली बनाया है ना, तो वो उसमें इतना ज़्यादा मैं छुपा नहीं सका इसको। तो मैं नेक्स्ट टाइम कोई और कोशिश करूँगा, क्योंकि चंद एक व्यापारियों ने पहचान लिया था, ठीक है, तो वो मज़ा नहीं आया उस तरीके से वीडियो बनाने का ना। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई और तरीका देखते हैं। बाकी आप लोग ये बताइएगा कि आप लोगों को व्यू कैसा आया। मैंने कोशिश की थी कुछ नया करने की आज, तो देखते हैं कि क्या कैसा रहा सारा ये नया सिस्टम। बाकी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि ये मैंने किया कैसे है, ये वाला तरीका है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रहा हूँ। मज़ीद वीडियोज़ के लिए कैटल मार्केट कराची को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आई है ये वाली तो लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। गर्मी बहुत है तो अभी निकलते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।